तो वो सबसे पहले क्या करेगा उसे अपने खेत की बाउंड्री लेनी होगी जो उसने इस प्रकार ली है कि मेजरमेंट करके उसने लिख लिया एक साइड नाइन है फिफ्टीन ट्वेंटी वन और नाइन मीटर्स जब उसने चारों तरफ को टोटल किया तो फिफ़्टी फोर मीटर्स हो गया है तो उसको फिफ्टी फ़ोर मीटर कोई भी फेंस के लिए वायर या आ, की ज़रूरत पड़ेगी तो जब वो मार्केट गया तो उसको वहाँ पर मिला सेवेंटी मीटर का रोल रहमत बॉटर रोल ऑफ सेवेंटी मीटर्स और वायर लेकर के आया कि हो सकता है कि मार्केट में उन्होंने कहा कि हम भाई कट करके आपको नहीं देंगे आप पूरा लेकर जाइए जनरली लोग ऐसा ही करते हैं सेल करने वाले दुकानदार कि हम आपको काट के नहीं देंगे अब यहाँ रहमत जो है अपने वायर लगा रहा है जब उसने वायर लगाना शुरू किया फेंसिंग की तो गणपत को भी आइडिया है कि मैं भी अपने फील्ड के चारों तरफ लगा लू तो अच्छा रहेगा प्रोटेक्टेड रहेगा तो रहमत ने कहा कि क्या तुम मुझे अपना बचा हुआ वायर दे सकते हो तो उसने कहा ऑफकोर्स मैं दे दूंगा तुम्हें तो कितना वायर जो है रहमत को ने गणपत को दिया होगा तो कितना दिया हुआ जितना उसका लगने के बाद बचेगा यानी कि उसका टोटल कितना लगा 54 मीटर्स और लाया कितना था 70 मीटर्स तो दोनों को माइनस जब करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि कितना वायर उसका बचा हुआ था अब गणपत को 16 मीटर वायर मिल गया गणपत अपने खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसको और जरूरत है अब उसको ये कैसे पता चलेगा कि कितनी और जरूरत है तो उसको भी अपनी बाउंड्री वॉल निकालनी पड़ेगी तो उसने अपनी पूरी बाउंड्री इस प्रकार निकाली नाइन फिफ्टीन फिफ्टीन नाइन और एटीन सेंटीमीटर। एटीन मीटर इनका ये खेत है अब उसको जब उसने पूरे पांचों साइड को उसने टोटल किया तो उसे मिला कि सिक्सटी सिक्स मीटर की उसकी उसको जरूरत है और उसके पास है कितना ओनली सिक्सटीन मीटर तो हाउ मच मोर वायर विल गणपत नीड फॉर हिज फील्ड ये तब पता चलेगा जब हम सिक्सटी सिक्स इन जिस की उसको जरूरत है जितना उसके पास है उन दोनों को हमने सब्टेक्ट किया तो हमें मिल गया फिफ्टी मीटर्स तो उसको फिफ्टी मीटर की और ज़रूरत है इस प्रकार जैसे इन दोनों की बाउंड्री वॉल निकाली गई है फील्ड्स की आप इन सब फील्ड्स की इन खेतों की बाउंड्री वॉल निकालेंगे मीन्स ओनली यू हैव टू एड आपको इन सब को एडिशन करना है जोड़ देना है और आपको उनकी बाउंड्री वॉल मिल जाएगी ठीक है तो इन खेतों को आप कंप्लीट कर लेंगे अब हम आते हैं इस क्वेश्चन नंबर टू पर जिसमें देखिए चंदूस फादर इज कॉल्ड द यंग ओल्ड मैन इन हिज विलेज क्यों कहा जाता है उनको यंग ओल्ड मैन जबकि उनकी एज है सेवनटी मीट ईयर्स की ही इज फुली फिट क्योंकि बिल्कुल फिट है डू यू नो दिज सीक्रेट उसका सीक्रेट ये है कि ही गोज फॉर अ वॉक अराउंड द फील्ड एवरी मॉर्निंग वो सुबह रोज मॉर्निंग वॉक करते हैं अपनी फील्ड के और अपनी फील्ड के ही वो कितने चक्कर लगाते हैं फोर राउंड्स ऑफ द चंदूस फील्ड और चार चक्कर लगाते हैं अब हमें देखना हो कि चार चक्करों में वो कितना चलते हैं ना वॉट इज द टोटल डिस्टेंस ही कवर्स तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा बच्चों कि हमें इस फील्ड की बाउंड्री की टोटल करना होगा कि इसकी एक राउंड लगाने पर हमें कितना चलना पड़ता है तो यहाँ हंड्रेड है ये वन फिफ्टी ये हंड्रेड ये वन फिफ्टी तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें तो वन फिफ्टी वन फिफ्टी होगा थ्री हंड्रेड और 100 हंड्रेड प्लस वन हंड्रेड हो गया टू हंड्रेड यानी कि टू हंड्रेड प्लस टू फाइव हंड्रेड मीटर्स फाइव हंड्रेड मीटर और अगर वो चार चक्कर लगाते हैं तो या तो हम उसको चार से मल्टीप्लाई कर दें तब भी हमें टू हंड्रेड मीटर मिलेगा टू थाउजेंड मीटर मिल जाएगा या हम उनको ऐड कर दें तब भी हमें टू थाउजेंड मीटर मिलेगा अब मीटर्स को यहाँ पर किलोमीटर में कन्वर्ट किया गया है तो यहाँ आप देख रहे होंगे दो टू थाउजेंड मीटर्स का वन टू uh, किलोमीटर होता इट मीन्स अगर वन किलोमीटर हमें देखना हो तो उसमें कितने मीटर्स होंगे वन थाउजेंड मीटर्स गुड अब क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए गणपत्स वाइफ वर्क इन अ टेलर शॉप वो वर्क करती है एंड शी हैज़ टू फिक्स लेस अराउंड अ टेबल क्लॉथ उसको एक टेबल क्लॉथ के चारों तरफ जो है लेस लगानी है शी बॉट अ हंड्रेड मीटर रोल ऑफ लेस अब वो एक रोल पूरा खरीद के लाइए जैसे कि रहमत खरीद के लाया था तो रहमत के रोल में सेवेंटी मीटर्स थे इसके रोल में हंड्रेड मीटर्स हैं तो लुक एट द पिक्चर ऑफ द टेबल क्लॉथ एंड टेल हाउ मच लेस इज यूज फॉर वन टेबल क्लॉथ अब हमें निकालना कि वन टेबल क्लॉथ में कितनी लेस लगेगी अब इसका जो टेबल क्लॉथ है वो वन मीटर फिफ्टी सेंटीमीटर फिफ्टी सेंटीमीटर वन मीटर फिफ्टी सेंटीमीटर फिफ्टी सेंटीमीटर मीन्स इट्स अ रेक्टेंगुलर इन शेप इसकी शेप रेक्टेंगुलर है तो उसके आमने-सामने की साइड सेम होंगी तो 50 50 हो गया 100 और 150 150 होगा 300 इस मींस 4 तो 4 मीटर्स uh, जो है उसमें लगेगी ओके अब इसमें जो है हमें 4 मीटर की लेस लगेगी तो अब 4 मीटर हमने यहाँ पर काउंट किया है अब उन्होंने कहा है कि हाउ मच लेस विल बी यूज इन थ्री सच टेबल क्लॉथ अब तीन टेबल क्लॉथ्स में इतनी ही कैसे ले, कैसे पता चलेगा कि या तो हम फोर फोर को थ्री बार मल्टी प्लस कर दें या इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर दें तो यानी कि ट्वेल्व मीटर्स यानी कि अगर वो तीन टेबल क्लॉथ में लेस लगा रही तो सिर्फ वो ट्वेल्व मीटर ही यूज कर रही है कितनी उसकी बच जाएगी हाउ मच लेस विल बी लेफ्ट इन द रोल कितनी बचेगी हंड्रेड में से अगर हम सब कर दें तो यू विल गेट एटी एट में से ट्वेल्व को सब करेंगे और हमारे पास आ गया गुड तो इन दिस वे उसके पास मीटर लेस बच जाती है। तो ये फर्स्ट फेज में आपने देखा बाउंड्रीज कैसे निकाली जाती हैं। तो बाउंड्रीज सिंपली आपको जो भी फिगर uh, होगी उसका एडिशन किया जाता है अब आते हैं हम नेक्स्ट एक्टिविटी पर यहाँ देखिए एक फिगर्स uh, दी गई हैं और स्क्वायर्स दिए गए हैं स्क्वास के बीच में कुछ फिगर्स हैं ओके अब इसमें हम यूज कर सकते हैं कि थ्रेड का यूज करके भी बता सकते हैं इसकी बाउंड्री वॉल क्या है और अगर हमारे पास थ्रेड ना हो तो हम स्क्वायर शेप से भी काउंटिंग करते हैं उसमें एक रूल होता है कि जो स्क्वायर हाफ से ज़्यादा अंदर होता है उसको हम इक्वलन टू वन मानते हैं और जो हाफ से कम होगा उसको हम काउंट नहीं करते हैं जैसे कि फर्स्ट फिगर में देखिए ये जो दोनों आपके स्क्वायर्स uh, हैं ये बहुत कम कम अंदर आ रहे हैं फिगर के तो इसको हम काउंट नहीं करके हमने वन टू थ्री फोर और फाइव काउंट किया और इस तरीके से हमने सारी फिगर्स में मैंने काउंटिंग आपको लिख दी है अब आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स इसी बेस पर लिखने हैं आंसर्स आपके आएंगे देखिए हाउ मेनी स्क्वेयर्स आर देयर इन ईच शेप आपको काउंट करके लिख देना है विच शेप कवर्स द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वेयर्स तो लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वेयर्स किस में आएंगे डी शेप में आएंगे क्योंकि डी में फोर है सिर्फ और शेप कवर्स द मोस्ट नंबर ऑफ स्क्स ये आपको बी में आएंगे क्योंकि पर हमारे पास एट नंबर तक है नाउ टेक अ ट्वेंटी सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड मेक डिफरेंट शेप्स बाय ज्वाइनिंग द एंड्स प्लेस ऑन द शीट ऑन द नेक्स्ट पेज एंड फाइंड आउट अब आपको नेक्स्ट पेज में जो शीट दी गई है यहाँ पर आप अपने न्यू फिगर्स ड्रॉ करेंगे और उनके आप एरियाज सॉरी बाउंड्री वॉल्स फाइंड आउट करेंगे ठीक है और उसमें काउंट करेंगे कितने फिगर्स उसमें आते हैं कौन बिगेस्ट शेप है कौन स्मॉलेस्ट शेप है, है किसकी बाउंड्री वॉल सबसे बड़ी है सच टाइप ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग आप उसमें करेंगे जो एक्टिविटी नंबर थ्री है उसमें आपको दिया गया है कि हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स कैन यू मेक बाय ज्वाइनिंग टू स्क्वेयर तो टू स्क्स से हम मैक्सिमम मुझे लगता है कि तीन से ज़्यादा ये ड्राॅइंग्स हम नहीं बना सकते हैं और हाउ लॉन्ग इज द बाउंड्री ऑफ ईच शेप अब हम उसमें ईच शेप में ड्रॉ कर सक देखना है कि किसकी बाउंड्री वॉल जो है वो सबसे लंबी होगी और कितनी लंबी होगी तो मुझे लगता है कि सबकी शेप्स इसमें अगर हम दोनों स्क्वायर्स को इस साइड से इस ऐसे जॉइन कर रहे हैं तो इनकी सबसे लंबी बाउंड्री वॉल आएगी ये क्योंकि वन साइड यहाँ से आ गया टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट जबकि इसमें हमें कितना मिल रहा है वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स इसमें सिर्फ सिक्स साइड्स मिल रही हैं इसमें हमें एट साइड्स मिल रही हैं तो यहाँ हमारी एट है और ये सिक्स है इन दोनों में सबसे ज़्यादा जो लेंथ होगी वो बाउंड्री वाल की इस शेप की होगी अगर हमें टू स्क्वायर्स ले रहे हैं हम ऐसी थ्री स्क्वायर्स पर भी जो है काउंटिंग कर सकते हैं तो यहाँ देखिए आपको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट है और यहाँ हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व है और इसमें आपके पास में आ रहा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व तो इन दोनों फिगर्स में आपके पास ट्वेल्व और ट्वेल्व आ रही है इसलिए आपके दोनों फिगर्स सेम है, ठीक है ना आप इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ स्क्वायर्स लेकर के अपनी फिगर्स को ट्राई करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस टाइम आपको दिया गया है कि आपको एक यहाँ फिगर दी गई है कि अ स्क्वायर हैज अ बाउंड्री ऑफ ट्वेल्व सेंटीमीटर दी गई है अब बी पार्ट में दिया है कि फ्रॉम अ कॉर्नर यहाँ के कॉर्नर से इसमें आपको एक स्मॉल स्क्वायर कट कर दिया गया है दैट विल बी ऑफ वन सेंटीमीटर वन सेंटीमीटर का ये है इट मीन्स अगर ये थ्री सेंटीमीटर है तो वन सेंटीमीटर का एक स्क्वायर यहाँ से आपको काट दिया गया है देन आपको बताना है कि विल बाउंड्री ऑफ बी विल बी लेस और मोर तो इसकी बाउंड्री जो है वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी कि छोटी रहेगी फाइंड द लेंथ तो अगर हम कोई भी चीज़ काटते हैं तो हमें लगता है कि वो कम हो जाती है बट स्टूडेंट्स हमने जब इसको यहाँ पर प्रैक्टिकली करके देखा तो हमारी बाउंड्री वॉल सेम रही इसमें भी ट्वेल्व है और यहाँ भी ट्वेल्व है ऐसे ही बी पार्ट में देखिए इफ़ यू कट अ वन सेंटीमीटर ऑफ स्क्वायर टू गेट शी शेप यहाँ पर शी शेप अगर काटी गई है तो क्या बाउंड्री वॉल में चेंजेस आते हैं यस yes. यहाँ पर हमारी ट्वेल्व है और ये हमारी फोर्टीन हो गई इट मीन्स ये न्यू शेप में जो है बाउंड्री वॉल इंक्रीज़ कर गई है बट हेयर द रिमेन हेयर ए और बी में सेम रहेगा ए और सी में से सी की बाउंड्री वॉल इंक्रीज़ कर जाएगी फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री वॉल ऑफ स्क्वायर डी अब इसमें डी का निकालना तो डी का जो हमने जब बाउंड्री वॉल निकाला तो फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव है फोर साइड से इक्वल है मीन्स ट्वेंटी सेंटीमीटर्स है अब हमें एक और नई फिगर दी गई ई e. इसमें हमें काउंटिंग करनी है एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द बाउंड्री वॉल ये बहुत मज़ेदार चीज़ है इसको आप थोड़ा सा अपने आप करेंगे तब आपको और अच्छा लगेगा फाइंड द बाउंड्री वॉल ऑफ दिस इसका कितना होगा बाउंड्री वॉल वन सेंटीमीटर वन 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 तो इसकी जो बाउंड्री वॉल होगी वो फोर सेंटीमीटर हम इन टू फोर भी कर सकते हैं और वन वन प्लस भी कर सकते हैं जैसे कि रिपीटेड एडिशन और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में हम सीखते हैं आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर थ्री में आपके पास क्या है हॉकी फील्ड इज नाइन्टी वन मीटर्स फोर्टी मीटर लॉन्ग एंड फिफ्टी फाइव मीटर्स वाइड ये इस तरीके से दी गई है बना करके हाउ लॉन्ग इज द बाउंड्री वॉल ऑफ द फील्ड इस बाउंड्री वॉल की फील्ड कितनी लंबी होगी तो आपको क्या करना है आप एक रफ बाउंड्री वॉल हॉकी की फील्ड बनाइए जिसमें आप एक साइड लिखिए फिफ्टी फाइव मीटर्स और ल, ल, जो लेंथ लंबी वाली है उसमें लिखिए नाइन्टी वन पॉइंट फोर्टी सेंटीमीटर और देन

यस बिकॉज ऊषा इज क्लेवर वो जो उसका जो सर्कल है वो छोटा था इसकी जो सर्कल है अंदर वाला ये स्मॉल सर्कल है और बाहर वाला जो है लार्जर सर्कल है यानी कि इसकी बाउंड्री वॉल और बाहर वाले सर्कल की बाउंड्री वॉल में डिफरेंस है इसीलिए क्या करते हैं बच्चों जब सर्कल में स्टेडियम में बच्चों को दौड़ाया जाता है तो रेसेस में हमेशा आपने देखा होगा कि उनकी जो स्टैंडिंग पोजिशन है वो डिफरेंट होती है लाइक एक को हम यहाँ खड़ा कर रहे हैं दूसरे को हम यहाँ कर रहे हैं तीसरे को हम यहाँ कर रहे हैं तो ये जो डिस्टेंस है दिस वन ये उनकी बाउंड्री वॉल का डिफरेंस होता है ताकि यहाँ पर जब चलें सब लोग तो आए एक ही साथ ठीक है सो मेक द स्मॉल डिस्टेंस सेम टू ऑल नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर स्कूल गार्डन गया वेरी गुड तो स्कूल गार्डन में क्या हुआ कि क्लास थ्री और क्लास फोर के बच्चों को कहा गया कि आपने लिए अपने गार्डन्स बनाएंगे आप दोनों स्कूल के बच्चों ने अपने क्लासेस ने अपने अपने लिए गार्डन बनाए अब देखा गया कि स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द क्लासेस थॉट दैट द गार्डन वन वाज बिगर उन्होंने कहा गार्डन वन तो बड़ा है सही बात है देखने में लग रहा है सो बोथ वांटेड टू टेक गार्डन वन उन्होंने कहा नहीं मुझे हमें बड़ा वाला गार्डन चाहिए सडनली नीतू यानी कि उसमें से कोई एक बच्ची ने कहा कि अरे पहले देखते लो, मुझे लगता है दोनों गार्डन्स बराबर हैं तो हम दोनों गार्डन्स हैं, ये कैसे पता लगाएंगे उनकी अगर चाहे बड़ा सा स्केल लेंगे या हम एक रोप लेंगे उसकी हेल्प से उसको फाइंड आउट कर लेंगे सेम एक्टिविटी आपको देखिए इस नेक्स्ट पेज पर है आपके कि लुक एट द टेबल इन योर क्लासरूम गेस हाउ मेनी मैथ्स बुक मैजिक बुक्स विल प्लेस ऑन इट आपके टेबल पर कितनी मैथमैथिक बुक आ सकती हैं जस्ट इमेजिन करिए कि आपने कहा कि फोर आ सकती हैं देन ट्राई टू पुट योर फोर ऑन योर टेबल एंड फाइंड आउट कि आप क्या आपका गैस सही था कि गलत सही था कि रॉन्ग था अब क्यों हो गया कि देखिए टेबल्स में हम फिक्स नहीं कर सकते यहाँ पर तीन है चार है बिकॉज द टेबल्स ऑफ एवरी क्लास चेंजेस तो आपके हर स्कूल में हर क्लास में टेबल का साइज चेंज होता है तो आपके आंसर्स भी यहाँ पर हमेशा चेंज होते रहेंगे बस ये है कि आपका गैस आपके टेबल को देखकर कितना अच्छा है ये डिपेंड करता है आपका एस्टीमेशन कितना अच्छा है ठीक है इसलिए मैंने इसको आपको ये पार्ट नहीं किया है आप अपने घर के टेबल पर रख भी अपनी बुक को देख सकते हैं उसकी बाउंड्री वॉल बना करके नाउ नेक्स्ट इज आपकी इसी बुक में आपको एक और स्क्वायर शीट में दिया गया है कि इसमें बहुत सारी लीव्स बना दी गई हैं स्क्वायर शेप में आपको से पूछा कि विच इज़ द बिगेस्ट लीफ इन देप पिक्चर आपको कुछ नहीं करना है मैंने जैसे आपको फर्स्ट फिगर में बताया था कि स्क्वायर्स को आपको कैसे काउंटिंग करनी है तो याद रखेंगे कि फुल तो आप कंप्लीट तो चेक नंबरिंग कर ही देंगे जो आधे आधे पार्ट्स बचते हैं उनमें भी आप नंबरिंग करेंगे और आधा पार्ट जब आपका स्क्वायर का होगा उसको आप ले लेंगे आधा या आधे से ज्यादा मान, मान लीजिए कि ये एक स्क्वायर है इसका आपको हाफ पार्ट तक अगर किसी फिगर के अंदर है तो काउंटेड वन और अगर हाफ से कम है तो उसको काउंट आप नहीं इसको आप काउंट नहीं करेंगे ठीक है और सिक्स से यू कैन काउंट एंड यू कैन राइट और इसमें आंसर्स आपके डिफर कर सकते हैं और डोंट वरी अबाउट दैट क्योंकि इसका कोई फिक्स्ड आंसर आपको नहीं मिलेगा बट नियर अबाउट मिलेगा लाइक like मैंने इसमें लिखा है इलेवन कि ए का इसमें आंसर आएगा बट आपको हो सकता है कि आपका यहाँ पर टेन ही रहे या आप इसमें ट्वेल्व कर सकते हैं तो आप डिपेंड करता है इस चीज़ पर तो ये टेन ट्वेल्व के बीच में ही इसके आंसर्स रहेंगे अब आप इसमें ये नहीं कह सकते कि ये ट्वेंटी में चला जाएगा ओके नाउ कलेक्ट सम लीव्स फ्रॉम द गार्डन और आप उसको इसी तरीके से ट्रेस करिए और देन यू कैन फाइंड आउट द एजेस और आप उसमें ये भी बता सकते हैं कौन सी लीव uh, सबसे बड़ी है कौन सी छोटी है दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज यू कैन डू आप इसमें डिफरेंट फिगर्स डिफरेंट पिक्चर्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की शेप से इसको कर सकते हैं नाउ कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर कि हाउ मेनी स्क्वायर अब इसमें जब अकाउंटिंग कीजिए आप तो आपको कुछ नहीं करना होता बच्चा यहाँ से बस आप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और इन दोनों लास्ट नंबर्स को यू विल मल्टीप्लाई यू विल गेट द आंसर थर्टी सिक्स तो इट मीन्स इसमें सारे में थर्टी सिक्स ही स्क्वायर्स हैं ठीक इस है इसमें जो पूछा ना ये फास्टर वे तो फास्टेस्ट वे यही है आपके काउंट करने के लिए ऐसे ही इसमें है कि गेस हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ वन सेंटीमीटर कैन फिल दिस ब्लू तो आप इसमें बता सकते हो काउंटिंग करके नीचे से ऊपर करिए साइड में लिखिए और एट फोरजा थर्टी टू मीन्स यहाँ पर कितने रेक्टेंगल्स आए आएंगे इसमें इस रेक्टेंगल इस में कितने स्क्वायर्स आएंगे थर्टी टू स्क्वायर्स तो ये हमारा आंसर आ जाएगा थर्टी टू आपने गेस किया मान लीजिए कि थर्टी सिक्स और आपका आंसर आ रहा है थर्टी टू देन ऑल्सो इट इज़ राइट ठीक है लुक एट द पिक्चर कैन यू डिवाइड इंटू फोर इक्वल पीसेज इसको आपको फोर इक्वल पीसेस में डिवाइड करना ईच पीस शुड हैव द सेम नंबर ऑफ स्क्वायर्स सेम नंबर ऑफ स्क्वायर्स मीन्स आपको पहले नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट कर लेने चाहिए या लाइक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व अब ट्वेल्व है और थ्री में पढ़ना तो यानी कि फोर फोर का पार्ट्स यानी कि फोर पार्ट्स का हमने एक एक ग्रुप बना देंगे और फोर पार्ट्स का हम एक बना देंगे और हमारे पास में थ्री पार्ट्स इक्वल पार्ट्स आएंगे याद रखेंगे वर्ड इज इक्वल अन नहीं ना लास्ट आपका पजल है बहुत ही मज़ेदार पजल है इसको इस पजल को सॉल्व करने में मुझे दो मिनट लगे थे इसमें आपके पास में फोर हाउसेस हैं और ये एक वेल है इसी इस वेल को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि सब लोग अपने घर से डायरेक्ट यहाँ से पानी ले सकें कोई किसी की फील्ड में एंट्री ना करें तो आप कैसे डिवाइड करेंगे उसको तो मैंने देखिए कैसे डिवाइड किया कि दो तो घर इनके आसपास हैं ठीक है इनको तो हमें कुछ नहीं करना है सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए जो घर दूर हैं उनको हमें यहाँ तक रास्ते से पहुँचाना है तो हम बेल से लेकर के यहाँ से एक रास्ता ड्रॉ किए और इस घर तक पहुँचे यानी कि इसके पास ये चार ब्लॉक्स इसी के पास रहेंगे वन टू थ्री फोर फिर यहाँ से हमने ड्रॉ किया और यहाँ से क्योंकि और किसी पार्ट से नहीं जा सकते थे एक लास्ट यही बचा था इसको हमने यहाँ ज्वाइन कर दिया इसके पास आ गए वन टू थ्री फोर अगेन अब जो इसके पास कितने पार्ट्स बचेंगे इसके पास बचेंगे वन टू थ्री एंड फोर और इसके पास कितने बचेंगे? बजेंगे और फोर यानी कि फोर फोर ब्लॉक सबके पास आ जाएंगे और सब किसी के घर में एंट्री भी नहीं करेंगे और सब एक ही वेल से अपना पानी भी आराम से ले सकते हैं इन दिस वे इस लेसन में आपने बहुत मजेदार चीजें सीखी हैं रिकैप के लिए आपको हम बता दे बाउंड्री वॉल सीखी आपने और कन्वर्जन सीखा मीटर टू किलोमीटर्स में देन आप स्क्वायर की शेप से कैसे डिफरेंट बाउंड्रीज को कर, बता सकते हैं कितने ऑब्जेक्ट्स को कि बड़ा है कि छोटा है और साथ में आपने एक पजल सीखी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लॉन्गेस्ट वीडियो फॉर यू थैंक यू